वंडर सर आपका स्वागत है। हम लोग अब तक कार्बोनेटिव और जीआई रेगुलेंट्स के बारे में देख रहे थे, लेकिन अब हम लोग को देखना है एस्ट्रोजेंट्स के बारे में। तो सबसे पहला सवाल कि एस्ट्रोजेंट होता क्या है। तो एस्ट्रोजेंट एक ऐसी दवाइयाँ बोल सकते हो या एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी से या किसी भी सेल से वाटर को बाहर निकालने में काम हेल्प करता है और उसको श्रिंक करवाने में हेल्प करता है। इसका उपयोग हम लोग अलग अलग जगह पे करते हैं, जैसे वहाँ पे जहाँ पे ब्लड हम लोग को रोकना होता है ताकि वहाँ के सेल सिकुड़ जाए और जो चोट है वो छोटा हो जाए ताकि ब्लड लॉस कम हो सके, या फिर कॉस्मेटिक्स में इसका यूज़ करते हैं, हमारे जो चेहरे के पोर्स हैं या स्किन के पोर्स हैं उसको बंद करने के लिए, ऑयल जो वहाँ पे मौजूद है उनको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो एस्ट्रोजन का उपयोग अलग अलग तरह पर किया जाता है और स्किन में ज़्यादा उपयोग करते हैं, चेहरा पर ज़्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोजन का जो हम लोग को पहला ड्रग देखना है, पहला क्रूड ड्रग जो है वो है माइरोबेलन। ठीक है, तो माइरोबेलन का अगर बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो माइरोबेलन आपको एक तरह का फ्रूट है, ठीक है, जिसको हम लोग सुखा लेते हैं। और किस प्लांट से मिलता है वो है आपको टर्मिनेलिया चेबुला। किस फैमिली से बिलोंग करता है आपको, तो कॉम्ब्रिटेसी। तो बायोलॉजिकल सोर्स में क्या लिखेगा, माइरोबेलम इज द ड्राइड फ्रूट ऑफ टर्मिनेलिया चेबुला बिलोंगिंग टू फैमिली कॉम्ब्रिटेसी। ठीक है, एज यूजुअल एग्जिट एग्जाम में से क्वेश्चन क्या बनेगा आपको, बायोलॉजिकल सोर्स। ठीक है, तो टर्मिनेलिया चेबुला और कौन सी फैमिली, कॉम्ब्रिटेसी। ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करें तो माइरोबेलम जो है वो आपको ऑलमोस्ट 300 से 900 मीटर के एल्टीट्यूड या एलिवेशन पे आपको पाया जाता है, यानी कि अगर इंडिया में देखें तो 300 से 900 मीटर नॉर्थ पार्ट में होगा। ठीक है, तो नॉर्थ पार्ट के कौन कौन जगह पे पाया जाता है ये, तो सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, इन तीन जगह पे इसका कल्टीवेशन होता है, कहाँ कहाँ पे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। इसके अलावा ये आपको दो और देशों में पाया जाता है, वो है म्यांमार और श्रीलंका। तो बहुत इजी है ज्योग्राफिकल सोर्स, इंडिया के नॉर्थ पार्ट में 300 से 900 मीटर के एलिवेशन पे। तो आपका एमसीक्यू क्या बना, कितने एलिवेशन पे ये पाया जाता है, तो 300 से 900 मीटर के एलिवेशन पे पाया जाता है। एग्जिट एग्जाम का आपके ये बन गया, क्वेश्चन बन गया, इंडिया के कौन कौन पार्ट में, तो नॉर्थ इंडिया में कहाँ कहाँ पे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, उसके अलावा दो और देश हैं, वो है म्यांमार और श्रीलंका। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, माइरोबेलम का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट थोड़ा सा इजी है। अब तक हम लोग कार्बोनेटिव में क्या देख रहे थे, वोलेटाइल ऑयल था, लेकिन आपका एस्ट्रोजेंट में यहाँ पर हम लोग पहले देखना है 30% आपको हाइड्रोसेबल टेनिन्स है इसमें। ठीक है, हाइड्रोसेबल टेनिन्स है इसमें, यानी पानी में घुलने वाले टेनिन्स है इसमें। ठीक है, इस टेनिन्स के अंदर वो क्या क्या होता है, तो चेबुलेनिक एसिड जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चेबुलेनिक एसिड आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पे आपको चेबुलिक माइरोबेलम का भी नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा चेबुलेजिक एसिड, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, और तीसरा होता है इसमें डी गैलोली ग्लूकोज। ठीक है, तो आपको टेनिन्स के तीन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, चेबुलेनिक एसिड, उसके अलावा चेबुलेजिक एसिड और डी गैलोली ग्लूकोज। ठीक है, इसके अलावा इसमें और भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे आपको टेनिक एसिड, गैलिक एसिड, एलिकिक एसिड, रेजिन, और आपको होता है एंथ्रोक्विनोन ग्लाइकोसाइड एंड फेनोसाइड। ठीक है, अब एमसीक्यू का क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, एमसीक्यू का क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें, तो आपको हाइड्रोसेबल टेनिन कितना पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोसेबल टेनिन 30% होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 30%। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है, चेबुलिक एसिड, उसके अलावा चेबुलेजिक एसिड, उसके अलावा डी गैलिनोल ग्लूकोज। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको चेबुलिक एसिड और चेबुलेजिक एसिड के ऊपर ध्यान देना है। इसके अलावा इसमें क्या क्या पाया जाता है आपको इसमें, तो फ्री टेनिन्स पाया जाता है, मतलब फ्री टेनिक एसिड, गैलिक एसिड, एलिजिक एसिड और रेजिन मायोबेलिनिन। उसके अलावा इसमें दो आपको ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं, एक एंथ्रोक्विनोन ग्लाइकोसाइड और फेनोसाइड। ठीक है, ग्लाइकोसाइड वाला पार्ट याद रखिएगा, और ये टेनिक एसिड और गैलिक एसिड वाला पार्ट याद रखिएगा एमसीक्यू के लिए। अगर यूजेस की बात करें, उससे पहले स्ट्रक्चर, चेबुलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखिए, बहुत इजी है स्ट्रक्चर, हम कैसे याद करना बता दे रहे हैं। सबसे पहले एक बेंजीन रिंग बनाइए, उसके नीचे एक क्लोज रिंग बनाइए। ठीक है, एक बेंजीन, उसके नीचे एक क्लोज रिंग, उसके बगल में ओपन रिंग सिस्टम। ठीक है, जो आप ये बना लोगे तो बेंजीन रिंग में तीनों पोजिशन पर अल्कोहल ग्रुप,
ठीक है। क्लोज रिंग में यहाँ पर आपको कीटोन है, यहाँ कीटोन है, ठीक है। इसके अलावा ये जो ओपन रिंग है, जहाँ पर ओपन है वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड और ऊपर में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर चेबोलिक एसिड हो गया, ठीक है। यूजेस पे आते हैं तो इंडिया में, इंडियन मेडिसिन में माइरोबेलम, जिसको हरतकी बोलते हैं, हरतकी हिंदी में बोलते हैं, या फिर आंवला भी कभी कहीं कहीं पे इसका उपयोग के नाम पे होता है, ठीक है। तो इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा मान सम्मान है, इंडिया का जो मेडिसिन सिस्टम था आयुर्वेद में उसका इसमें बहुत मान सम्मान है। एक तरह का आंवला ही है, प्रजाति है, ठीक है, बहुत मान सम्मान है। क्यों है? क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टीज़ है बहुत ज़्यादा बेटर है, हर चीज़ में इसका उपयोग करते हैं। त्रिफला नाम का चूर्ण आप लोग सुने होंगे, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्यों इसको यूज़ करते हैं, तो एंटीसेप्टिक और हीलिंग प्रॉपर्टीज है, इसी की वजह से इसका रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है इंडियन मेडिसिन सिस्टम में, ठीक है। उसके अलावा इसको आप क्रॉनिक अल्सर, पाइल्स और घाव के ऊपर एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं, क्रीम के दौरान लेप लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हीलिंग पावर बहुत अच्छा इसके पास है, ठीक है। उसके अलावा स्टोमेकी, भूख बढ़ाने में और पेट के इसमें आपको ये हेल्प करता है, एपेटाइट में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा इसका परगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, इसी वजह से इसको यूज़ किया जाता है त्रिफला में, इसका बहुत अच्छा परगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, इसीलिए इसको यूज़ करते हैं त्रिफला में। और इसके अलावा इसको डेंटल प्रिपरेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है, पाउडर को डेंटल प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। लेकिन एक जगह और इसका यूज़ होता है, वो है हेयर में, हेयर और स्किन में बहुत अच्छा ये काम करता है, वहाँ भी इसका यूज़ एज अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में किया जाता है। अगर रिविज़न देखें तो क्या था, बायोलॉजिकल सोर्स माइरोबेलम ड्राइड फ्रूट है, किसका, टर्मिनेलिया चेबुलिक का, सॉरी चेबुला का, किस तरह से बिलोंग करता है आपको, तो कॉम्ब्रिटेसी, ठीक है। ज्योग्राफिकल सोर्स देखें तो 300 से 900 मीटर के एलिवेशन पे पाया जाता है, ऊंचाई पे पाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में यानी कि पाया जाता है, कहाँ कहाँ पे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में ये पाया जाता है। इसके अलावा ये दो देश में पाया जाता है, म्यांमार और श्रीलंका में पाया जाता है, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट 30% आपको हाइड्रोसेबल टेनिन्स होता है, ठीक है। उस टेनिन्स में क्या क्या पाए जाते हैं, चेबुलिक एसिड जो सबसे इंपॉर्टेंट है। चेबुलिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर देखें तो एक बेंजीन रिंग, एक क्लोज रिंग, एक ओपन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग पे तीन आपको अल्कोहल ग्रुप, क्लोज रिंग में एक ऊपर अल्कोहल ग्रुप, और जहाँ जहाँ ओपन है, सॉरी ओपन रिंग में एक जगह आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और जहाँ जहाँ आपको ओपन है वहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्लोज रिंग में आपको दो ऑक्सीजन लगा देना है तो आपका चेबुलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो चेबुलिक एसिड के अलावा इसमें चेबुलेजिक एसिड और डी गेलोली ग्लूकोज पाया जाता है टेनिन्स में, ठीक है, हाइड्रोसेबल टेनिन्स में। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है, तो फ्री टेनिक एसिड, गैलिक एसिड, इलेजिक एसिड, रेजिन मायोबेलिनिन, ठीक है, रेजिन मायोबेलिनिन। उसके अलावा दो ग्लाइकोसाइड होते हैं आपको, एक एंथ्रोक्विनोन ग्लाइकोसाइड और एक सेनोसाइड होता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है एग्जिट पॉइंट ऑफ व्यू से, चेबुलिक, चेबुलेजिक दो एसिड याद रखना है टेनिन्स का, उसके अलावा फ्री टेनिक एसिड, गैलिक एसिड, उसके अलावा दो ग्लाइकोसाइड याद रखना है, एंथ्रोक्विनोन ग्लाइकोसाइड और सेनोसाइड, ठीक है। यूजेस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा रेपुटेड है, बहुत नाम वाला आदमी है, ठीक है, इसके पास बहुत ज़्यादा इसके शोहरत है मेडिसिन सिस्टम में। क्यों है? क्योंकि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है और एस्ट्रोजेंट की प्रॉपर्टीज़ है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ है, इसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा इसका जो ओहदा है बहुत हाई है इंडियन सिस्टम में, ठीक है, बहुत इज्जतदार दवाई है ये, तो एंटीसेप्टिक और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से ऐसा है। दूसरा काम क्या करता है, इसका पास परगेटिव प्रॉपर्टीज़ होता है बहुत बढ़िया, इसी वजह से त्रिफला जो चूर्ण बनता है उसमें इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा इसको आप एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हो, क्रॉनिक अल्सर में, घाव में, पाइल्स में, क्यों? क्योंकि इसके में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ है, जल्दी घाव सुखाने में हेल्प करता है। उसके अलावा इसको एस्टोमेकी की तरह उपयोग करते हैं, जो भूख बढ़ाता है और डाइजेशन को बेटर करता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, आपको एस्ट्रोजेंट का दूसरा ड्रग देखेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।